सो हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे GTA 5 के एक और न्यू वीडियो में। एंड गाइस, आज के दिन पता है हम लोग बाहर निकले हुए थोड़ा सैर करने के लिए, ये दोनों को पैदल चलाने के लिए। ये दोनों इतने कामचोर हो गए ना, मतलब कि पैदल नहीं चलते। अरे मालिक, मेरा इतना बेइज्जती क्यों करते हैं? मैं कुत्ता हूँ, मैं पैर के बिना चल ही नहीं सकता। और नहीं तो क्या, मैं भी इंसान हूँ, मैं पैर के बिना कैसे चलूंगा। फ्रैंकली भैया, तुम लोग दोनों का गाड़ी की लत लग चुकी है। मतलब कि गाइस, जब देखो तब ये लोग दोनों गाड़ी में बैठ जाते, गाड़ी से चलना है, गाड़ी से चलना है। और भाई, मेरा पेट्रोल खाली हो जाता है। पेट्रोल पता है कितना महंगा है? अरे हाँ पता है, बहुत ही महंगा है, लेकिन क्या ही कर सकते, जाना भी तो जरूरी है। वैसे भी अगर हम लोग पार्क नहीं जाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे, और जिएंगे नहीं तो फिर रहेंगे कैसे। अरे यार, ये लोग को पार्क पहुंचाते पहुंचाते मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, इतना पेट्रोल का दाम महंगा है। और भाई, ये लोग पैदल चलने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए गाइस, मैं आज इन लोग के लिए चैलेंज लेके आया हूं कि आज हम लोग यार ऊपर तक जाएंगे, जहां देख रहे हो ऊपर वहां तक जाएंगे, वो भी पैदल। अरे आज तो लगता है किस्मत ही खराब है। अरे मालिक, किसका चेहरा सुबह सुबह देख के उठे थे? अरे लगता है खुद का है ना, देख के उठे थे, इसीलिए ऐसा करने का मन लग रहा है। अरे चुप हो जाओ तुम लोग दोनों, बहुत ही बकवास करते हो। चुपचाप मेरे साथ ऊपर तक चलो, तो वरना मैं तुम लोग दोनों को ना चॉको चिप दूंगा ना डॉग फूड दूंगा। अरे बाप रे, अब तो जाना ही पड़ेगा। और नहीं तो क्या चॉप, अब तो जाना ही पड़ेगा, बात अब चॉको चिप्स में आ चुकी है। अरे यार, ये लोग दोनों को तो ऊपर चलना ही पड़ेगा, कुछ भी करो। लेकिन गाइस, मुझे भी थकान हो रही है, मतलब भाई इतना दूर चल के मैं भी थक गया, 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट कर लो, आ जाओ। और नहीं तो क्या, अभी चले हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ और थक गए। अरे ये तो हम लोग से भी ज्यादा थकेलो इंसान है मालिक, अब तो थकेलो है। अरे ये थकेलो क्या होता है गाइस, नीचे कमेंट करके बताओ। पता नहीं चॉप नया नया भाषा सीखता है, कहाँ से सीखता है नया नया भाषा। अले मेरा एक दोस्त बना है छपड़ी, छपड़ी कुत्ता वही सिखाता है। अरे यार, पता नहीं कौन कौन सा दोस्त बना लेता है छपड़ी कुत्ता, उन लोग के साथ सीख के आता है। अरे फ्रैंकली भैया, आपने बैग भी लाया था? मुझे पता नहीं, लगता जरूर उसमें पानी और चॉकलेट चिप्स होगा, दीजिए तो। है बैग, बैग कौन सा? एक सेकंड, ये बैग किसका है भाई साहब? यहाँ पे ये काला कलर का बैग, इतनी अजीब बात है भाई यार। यहाँ पे तो सुनसान जंगल है और कुछ ही घर है, और यहाँ पे काला कलर का बैग फेंका हुआ है। अरे जरूर इसमें कुछ खाने का होगा, डॉग फूड होगा, खोल के देखते हैं ना। अरे हाँ खोल के तो देखिए, चॉकलेट चिप्स भी तो हो सकती है। ये लोग दोनों को चॉकलेट चिप्स और डॉग फूड के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तुम लोग दोनों ने एक काम करो, खान पान के दुकान में जाकर रह जाओ, ये उसके अलावा कुछ इन लोग को सोचता ही नहीं है। रुको मुझे देख लेने दो, इसके अंदर है क्या। उड़ी बाबा, इसमें तो इतना सारा सोना है, सिंचान क्या करे। अरे वाह, मतलब कि बहुत सारा सोना। अरे सोना, अरे सोना तो घर में होता है, घर में रात में सोना होता है, अभी क्यों सोना है, अभी तो हम लोग को चलना है। अरे यार, ये चॉप को मारो। अरे हाँ चॉप, ये वो वाला सोना नहीं है, मतलब कि सोने वाला नहीं है, ये असली सोना है, गोल्ड गोल्ड। अरे यार, ये तो पूरा तरीके से गोल्ड है भाई साहब, मतलब कि समझ रहे हो, इतना सारा सोना, अब ये सोना का तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं सिंचन। अरे हाँ बहुत कुछ कर सकते, सोचिए सोचिए। अरे हाँ हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ये सोना का डॉग फूड खरीद सकते हैं। अरे यार, ये घूम फिर करके फिर से खाने पीने के बीच में आ गया। सो गाइस, ये सोना का हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं, सोचो। ये सोना का भाई साहब हम लोग यार गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, पेट्रोल पंप खरीद सकते हैं, और भाई साहब बहुत कुछ खरीद सकते हैं, मेरा तो सिर चकरा रहा है। अरे ज्यादा सोचिए मत, चलिए करते हैं, वैसे भी सोना हमें मिला है। अरे हाँ, लेकिन यार सिंचन, हमें पुलिस को भी तो दे देना चाहिए ये सोना। अरे चुप करिए, पागल है क्या, अगर पुलिस को देंगे तो पुलिस वाले लोग सोना रख लेंगे और हमें बाबा जी का ठुल्लू देंगे, उससे अच्छा है कि हम ही लोग कुछ कर ले। अरे हाँ यार, बात ये भी सही कह रहा, पुलिस वाले लोग मतलब कि यार सोना देंगे तो भाई हमें कुछ देंगे भी नहीं अवार्ड में, और भाई वापस से सोना रख ही लेंगे सारा, उससे अच्छा है कि भाई हम ही लोग रख ले। अरे हाँ चलो ना, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, खाने पीने का सामान और गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। अरे हाँ यार, बहुत ही कमाल का आइडिया है। सो गाइस चलो, तो यार फाइनली हम लोग ने ये वाला बैग ले लिया है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे चलते हैं एक गाड़ी खरीदने के लिए। हम लोग ये सुपर वाला गाड़ी खरीदेंगे, एकदम सुपर डुपर कार खरीदेंगे, नंबर वन कार खरीदेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लॉस सैंटोस घूमेंगे, और फिर वहां पे जाने के बाद हम लोग यार बहुत सारा सामान परचेस करेंगे, कैसा आइडिया है। अरे हाँ बहुत ही कमाल के आइडिया फ्रैंकली भैया, चलिए चलिए जल्दी से करते हैं। और यार आज का दिन तो लगता है हमारे लिए सबसे मतलब कि सबसे लकीएस्ट डे है, मतलब कि सोचो हमें ऐसा बैग मिला जिसके अंदर से कितने सारे किलो का सोना। एंड गाइस आप तो जानते होंगे सोना का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता रहता है, तो सोचो कितना ज्यादा ही हमें प्रॉफिट होने वाला आज के दिन। अरे हाँ बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, आ जाओ चोर जल्दी आ जाओ। अले अले आया आया, चिंता ना करो। अरे यार आज के दिन तो सच में ऐसा लगता है कमाल का होने वाला है। सिंचन और चॉप जल्दी चलो भाई, लेट नहीं करना है। पता चला भाई लेट करते करते भाई किसी को पता चल जाए कि हमारे पास सोना है, और भाई कोई कंप्लेन कर दे, उससे पहले गाइजर हम लोग को ये सोना खर्च कर लेना है, क्योंकि हमें ये सोना पुलिस को नहीं देना है, बता रहा हूं मैं। अरे यार तुम लोग दोनों भी चुप हो जाओ, सोना सोना ज्यादा नाम मत लेना, तो वरना किसी को भी शक हो जाएगा। अरे हाँ ठीक है फ्रैंकली भैया, मैं किसी को नहीं बोलूंगा।
ठीक है, हम लोग किसी को नहीं बोलेंगे कि हमारे पास बहुत सारा सोना मिला। अरे यार ये लोग को डर लगता है, बता तो दिया मैंने बट बहुत डर लग रहा है मुझे। चलो तो यार फाइनली हम लोग सिमियन के शॉप में आ चुके हैं, अब चलो जाके जल्दी से खतरनाक सी गाड़ी लेते हैं। अरे सिमियन सिमियन। अरे हाँ फ्रैंकलिन, बताओ क्या काम हो गया? आज भी क्या झाड़ू पोछा करने आओ क्या हमारी दुकान में? अरे यार झाड़ू पोछा, अरे जमान संभाल के बात करिए टकली अंकल, हमारे फ्रैंकलिन भैया छोटे मोटे आदमी अब नहीं रहे, झाड़ू पोछा? हाँ छोटे मोटे मालिक थोड़े ना हमारे फ्रैंकलिन भैया, बहुत बड़े मालिक हो चुके हैं। अरे यार ये लोग दोनों पक्का कुछ गड़बड़ करेंगे। अरे टकली अंकल आपको पता नहीं क्या, हमें सोना मिला। हाँ सोना सोना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सोना तो सभी सोते हैं। अरे हाँ यार छोड़ो ना, ये लोग दोनों बकवास कर रहे हैं। भाई साहब मुझे कोई तगड़ी सी गाड़ी दिखाओ ना जो भाई बहुत ही महंगी हो। अच्छा ऐसी बात है, इतना पैसा कहाँ से गया? अरे यार वो सब छोड़ो, मुझे तगड़ी सी गाड़ी दिखाओ जल्दी जल्दी, यहाँ पे जितनी भी गाड़ी लगी हुई सभी महंगी है, देख लो कौन सी लेनी है। अरे वाह यार यहाँ पे तो सभी गाड़ी बहुत ही महंगी महंगी है, सिंचन तुझे कौन सी पसंद आ रही है जल्दी बता दे, वो लेकर के यहाँ से चलेंगे, तो वरना गाइस ये लोग पक्का सिमियन को कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे लाल वाली अच्छी लग रही है, चलिए यही वाली ले लेते हैं। और यार ऐसी बात है, ठीक है सिमियन मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ और लाल वाली गाड़ी ले लेते हैं, ऐसा तो मेरे पास बहुत पैसा, हम चाहे सारी गाड़ी ले ले बट यार सिमियन को शक ना हो जाए, ये बहुत ही गंदा इंसान है, पुलिस में कंप्लेन कर देगा, उससे अच्छा चलो एक गाड़ी लेते और यहाँ से निकलते, चलो जल्दी से आ जाओ तुम लोग बैठ जाओ। एक सेकंड, इतना पैसा ये फ्रैंकलिन के पास आया कैसे? चलो तो यार फाइनली हम लोग ने एक गाड़ी तो ले चुकी है, अब यार चलो एक काम करते सिंचन, नया सा घर भी परचेस कर लेते हैं। अरे हाँ नया सा घर ले लेते हैं, वो भी कमाल का होगा, पुराना घर में रह रहे करके बोरियत हो गई, चलिए ना बहुत हमारे पास पैसा है। अरे सिंचन सोना सोना ज्यादा नाम ना निकाला कर, ऐसे भी बहुत ही दिक्कत है, भाई साहब चलो जल्दी से घर ढूंढते और एक नया सा खतरनाक सा घर भी ले लेते हैं, क्योंकि भाई यार वो घर लेने पे मजा ही आ जाएगा, सच बताते खतरनाक सी घर लेंगे और भाई यार देखना सच बताते वो घर हमारा बेस्ट एंड बेस्ट होगा, आप लोगों भी बहुत ही मजा आएगा। चलो मैं कांटेक्ट लगाता हूँ, एक खतरनाक सा घर ढूंढता हूँ। सो गाइस फाइनली मुझे एक खतरनाक सा घर मिल चुका है, अब चलो उतर के से बात करते। यही है क्या मिस्टर ढोलक? अरे भाई साहब आप ही का नाम है मिस्टर ढोलक? अलो अलो भाई तो मेरा ही नाम है मिस्टर ढोलक किया, बोलो भैया ढोलक किया। अरे भाई साहब इतना जल्दबाजी क्या था? अरे इतना जल्दबाजी क्या था, बिना पैंट पहने ही आ गए? अरे यार बिना पैंट पहने अपना घर देने के लिए आ गए? अले अपन को का मतलब, पैंट पहने या ना पहने मेरा घर तो बिकला है। अले एक बात तो बताइए आप लोग पैसे लाए हैं? अरे यार पैसे की चिंता ना कर, बहुत पैसे, एक बार घर तो देख ले आज सिंचन, घर देखते। अरे हाँ एक बार घर देखते, वाओ घर तो कमाल का फ्रैंकलिन भैया, चलिए ले ही लेते हैं। और यार घर तो सच में कमाल का लग रहा है, एक बार ड्रोन उड़ा के भी देख लेते हैं कैसा घर है। सो गाइस ये घर तो सच में बहुत ही लाजवाब एंड बड़ा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे ये घर में तो बहुत कुछ है, मतलब कि सच में बहुत कुछ है, पर्सनल बास्केटबॉल कोर्ट है और भाई यहाँ पे पर्सनल गार्डन भी है एंड गाइस पर्सनल जिम भी है साइड में, बहुत कुछ यार, गैराज तो है ही है, दो तल्ला घर है ऊपर से भाई ऊपर नीचे और एक स्विमिंग पूल भी है, कन्फर्म कर दे सिंचन? अरे हाँ कर दीजिए। और चौप तुम भी? अरे हाँ कल दीजिए मालिक कल दीजिए। अरे वायर ठीक है भाई, आपका और मेरा डील कंफर्म करते हैं। अरे बाबा ले गल भी गया, अब तो घर में पार्टी करेंगे। अरे यार इसके तो अलग ही मजे चल रहे, चल आज सिंचन जल्दी बैठ जा। फाइनली यार हम लोग ने घर भी परचेस कर लिया है। अरे वाह अब तो मजे आ गया फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ यार अब तो मजे आ गया, फाइनली यार हम लोग ने घर भी परचेस कर लिया एंड गाइस अब ये घर के मालिक भी हम हैं सच में यार, और अभी भी बहुत सारा सोना बचा हुआ है हमारे पास। सर जल्दी देखिए यही लोग हैं, इन्हीं लोगों ने इलीगल सोना रखा है अपने हाथों में और बता नहीं आज लॉस एंटोस में सामान खरीद रहे बहुत सारे। चल तो दया इसके बता दे और तावड़े को भी फोन करके बोल दे आज तो इसके तावड़ा निकालने वाले हैं। अबे ओए ओए नीला गंजी। अरे भाई साहब कौन मुझे बुला रहा है, ऐसे तो मैंने पीला गंजी पहना हुआ है, पता नहीं कौन मुझे मिला रहा है। हाँ तू ही पीला गंजी इधर सुन। अरे भाई साहब हाँ बताइए क्या हो गया, आप हमारे पास क्यों आए हैं? हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास इलीगल सोना है, दिखाओ तो जरा। अरे यार मेरे पास सोना नहीं है। आईला दया देखो इसके पास तो एक बैग भर के इलीगल सोना है। बाप रे बाप तुम तो बहुत ही बड़े चंगुल में फंस गए, अब तू जेल जाएगा। अरे बाप रे ये क्या फ्रैंकलिन भैया अब जेल चले जाएंगे? हमारे मालिक जेल चले जाएंगे ऐसे कैसे? तुम लोग दोनों भी जेल जाओगे क्योंकि तुम लोग दोनों भी इसका मदद कर रहे थे। अले कुत्ते लोग थोड़े ना जेल जाते। नहीं आज के दौर में कुत्ते लोग भी जेल जाते। चलो दया जल्दी से तावड़े को बोल के गाड़ी मंगाओ,
पुलिस के गाड़ी में बैठाएंगे ये लोगों को और जल्दी से ले जाएंगे पुलिस स्टेशन और वहाँ पे ये लोगों की धुलाई करेंगे। अरे गैस ये क्या हो गया भाई यार, 2 मिनट की खुशी आई थी भाई साहब, हम लोग ने घर किया, गाड़ी परचेस किया, खान पान थोड़ा परचेस किया और अभी तक कपड़े भी परचेस नहीं किए थे और पुलिस आ गई, ये सब किसने किया सिंचन? अरे देखिए तो सिमियन वहाँ पे खड़ा है, लगता है इसी ने कम्प्लेन किया है हमारे ऊपर। हाँ मैंने कम्प्लेन किया है, मैं भी तो देखूं, एक कल तक एक आदमी जो झाड़ू पोछा करता था मेरी दुकान से, वो मेरी दुकान में आकर के इतनी महंगी गाड़ी लेके जा रहा है, ऐसे कैसे मैं दूसरों की तरह की देखा नहीं जाता, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर कम्प्लेन कर दिया। अब तुम लोग जेल में सड़ोगे देख लेना। अरे यार सिंचन तू भी जेल जाएगा, मैं भी जेल जाऊंगा। अरे नहीं फ्रैंकली भैया मुझे जेल नहीं जाना, अरे नहीं जाना जेल मुझे नहीं जाना, अरे नहीं जाना, अरे प्लीज मुझे जेल मत लेके जा दोस्तों, अरे नहीं जाना मुझे जेल नहीं जाना। अरे सिंचन उठ जा, क्या जेल नहीं जाना क्या जेल नहीं जाना, मुझे कुछ दिखाना है तुझे, अरे उठ तो जा सिंचन। हे क्या ये सब सपना था? अरे हाँ यार जो तू कर रहा था पता नहीं क्या कर रहा था, जेल नहीं जाना पैसे क्या क्या कर रहा था, सोना सोना कर रहा था, तू पागल है क्या सिंचन जो तू करता रहता है? अरे यार पता है सिंचन हमारे पास बहुत ही खतरनाक सा सामान हाथ में लगा है। अरे क्या फ्रैंकली भैया क्या लगी आपके हाथों में? अरे बहुत ही कमाल का सामान लगा है, हम लोग वॉक में गए थे। अरे हाँ यार सिंचन हम लोग बाहर टहलने के लिए गए थे और हमें एक खतरनाक सा बैग मिला जिसके अंदर से बहुत सारा सोना है, ये देखो ये रहा बैग, इसके अंदर बहुत सारा सोना है। अरे बाप रे ये मुसीबत फिर से आ गई, सपना से रियल में आ गई। अरे दोस्तों मैं जेल नहीं जाना चाहता, अरे फ्रैंकली मैं भागी भागी ये बैग से दूर भागी, ये बैग नहीं है ये मुसीबत की पोटली है, अरे भागो भागो जल्दी भागो। अरे दोस्तों पता नहीं फ्रैंकली भाई ये सब कहां कहां से उठा के लेके आते। अरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों का शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फ्रैंकली मेरे को समझाओ कि अगर वो बैग से हम लोग जेल जा सकते हैं। अरे भागो भागो जल्दी भागो मुझे जेल नहीं जाना।